हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार उदित रिजल्ट को। बहुत सारे अभ्यर्थी आ रहा है कि जो अभ्यर्थी पास कर चुके हैं वो अभ्यर्थी कहीं पास करने के बाद भी फेल तो नहीं कर जाएंगे, या फिर वो अभ्यर्थी जो रिवाइज्ड आंसर की अभी जो जारी किया गया है, दो चार प्रश्नों में चेंजिंग किया गया है, उसका आंसर जो बदला गया है, उसमें उन अभ्यर्थियों को डर है कि कहीं फिर से हम पास हो जाने के बावजूद कहीं इरादा नहीं बदलने वाले हैं। जो अभ्यर्थी पास है वो हमेशा पास ही रहेंगे, आज भी पास है वो कल भी पास ही रहेंगे। जो अभ्यर्थी फेल थे वो अभ्यर्थी आपने देखा होगा दो चार दिन पहले कुछ प्रश्न या आंसर की में जो है चेंजिंग हुआ है, और दो चार जो प्रश्न ऐसे हैं जिसका दो दो ऑप्शन सही है, किसी का तीन तीन आंसर जो है सही है। तो बोर्ड जो है अब किसी भी अभ्यर्थी जो पास है उसको फेल नहीं करेंगे, और जो अभ्यर्थी अब पास हो रहे हैं जिसका बहुत सारे ऑप्शन दो तीन अब ज़्यादा नहीं बदलेंगे, क्योंकि बोर्ड भी अब यही चाहते हैं कि आंसर की या रिजल्ट जो जारी हो अब उसमें किसी भी तरह की त्रुटि नहीं रहे। क्योंकि आप सब जानते हैं उससे पहले बोर्ड ने जो आंसर की या रिजल्ट जो जारी किया था उसमें बहुत हंगामा हुआ था। इसी सारे बातों को देखते हुए बोर्ड अब नहीं चाहेंगे कि दोबारा से आंसर की में त्रुटि हो, क्योंकि बोर्ड भी यही सोच कर रिजल्ट जारी करने में देरी कर रही है कि आंसर या रिजल्ट जो जारी हो वो 100% शुद्ध होना चाहिए, किसी भी तरह की त्रुटि नहीं होना चाहिए रिजल्ट में, और किसी भी तरह के हंगामा नहीं होना चाहिए। तो बोर्ड इसीलिए बहुत सारे प्रश्न या आंसर ऐसे होते हैं जिसका आपने देखा होगा कि दो चार ऐसे प्रश्न है जिसका दो से ज़्यादा आंसर सही है, और अभी भी जो है एक दो प्रश्न जो है सही हो रहा है। तो अब जो है दोस्तों किसी भी अभ्यर्थियों को फेल नहीं है उन अभ्यर्थियों के या जो पास होने वाले हैं। तो दोस्तों इस न्यूज़ में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।